हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूमनी रसोई। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। आज मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, और ये लौकी की सब्ज़ी इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे मैंने टमाटर का यूज़ बहुत ही कम किया है। इस टाइम पे टमाटर हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं, सब्ज़ी वाले वही नहीं लेके आ रहे हैं, तो बिना टमाटर के हम सब्ज़ी को टेस्टी कैसे बनाएँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, और कुकर में डाल देंगे तेल और जीरा, और ये थोड़ा सा राई डाल देंगे। राई डालना ज़रूरी है क्योंकि राई से सब्ज़ी में खट्टापन आता है, इसलिए हम तड़के में राई ऐड कर देंगे। कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची डाल देते हैं और इनको पका लेते हैं। कुटा हुआ अदरक और लहसुन ले लिया है, इनको भी मिलाते हुए भून लेते हैं। ये देखिए प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है। तब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले डालते टाइम गैस का फ्लेम है वो लो रखेंगे। मसाले में डाल दिया है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। मिला लेते हैं सारे मसालों को। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। इसमें ऐड कर देंगे लौकी। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मिला देते हैं लौकी को मसालों के साथ अच्छे से, और इसे एक डेढ़ मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं ताकि मसाले हैं वो लौकी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। लौकी बिल्कुल कच्ची है इसलिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक टमाटर, मैंने काट के ले लिया है। टमाटर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप ना भी यूज़ करो तो चलेगा, लेकिन नींबू डालना ज़रूरी है। टमाटर डाल दिया है, उसके बाद मैंने एक नींबू डाल दिया है। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। मिला देते हैं सारे मसालों को अच्छे से, और पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि कुकर में बना रहे हैं, अपने से पानी हो जाता है, और दूसरा लौकी कच्ची है तो ये अपने आप पानी छोड़ती है। हाई फ्लेम पे हम दो सीटी लगवा देते हैं। दो सीटी लग गई हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और जब प्रेशर अपने आप ख़त्म हो जाएगा तब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए सब्जी ओवन के तैयार हो गई है, और ना हमने इसमें पानी डाला है, और ये देखिए बिना पानी के ही एकदम अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। ना तो ज़्यादा सूखी है, ना ही ज़्यादा रसीली है पानी वाली। और ये देखिए लौकी को मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अच्छे से पक भी गई है सब्जी। सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, और आप इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। धनिया पत्ती हो तो वो भी इस पर डाल के अच्छे से गार्निश कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करके जाना। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो।